कोरोना वायरस के बाद अब एक और वायरस पैर पसार रहा है। इसका नाम है एडिनो वायरस। फिलहाल ये वायरस पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहा है। एडिनो वायरस की चपेट में छोटे बच्चे ज्यादातर आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस की वजह से अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 ऐसे हैं जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि प्रशासन ने पिछले 24 घंटों में हुई मौतों को एडिनो वायरस डेथ नहीं माना है। उनका कहना है कि इस मौसम में ये संक्रमण आम है। प्रशासन ने बताया है कि किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी कर रखी गई है। 600 बाल रोग विशेषज्ञों के साथ 121 अस्पतालों में 5000 बेड तैयार रखे गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि बीते एक महीने में अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी ARI के 5213 मामले सामने आए हैं। ARI एक मौसमी समस्या है। इस साल मामले इसलिए ज्यादा सामने आ रहे हैं क्योंकि बीते 2 साल में कोविड के कारण ये पकड़ में नहीं आ सका था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। सरकार ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1800-313-444-222 भी जारी किया है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में लगा है मेला, करिए ईद की शॉपिंग। 22 मार्च है मेले का अंतिम दिन। आपको बता दें, एडिनो वायरस इन्फेक्शन एक वायरल बीमारी है जो एडिनो वायरस की वजह से होती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की नली पर हमला करता है। इसे संक्रमित होने पर आम कोल्ड जैसा संक्रमण होता है। चूंकि ये वायरल बीमारी है, इसीलिए किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। हवा के जरिए भी खांसने या छींकने से ये फैल सकता है। अगर किसी तरह एडिनो वायरस मौजूद है और उसे आप छूते हैं या उसके संपर्क में आते हैं, तो आप भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं। CDC के मुताबिक कई बार एडिनो वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल से भी फैल सकता है। उदाहरण के लिए डायपर बदलने के दौरान कई बार स्विमिंग पूल से भी ये फैल सकता है, लेकिन ये कम आम है। CDC का ये भी कहना है कि इस वायरस से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पर कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना चाहिए। गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। जो लोग बीमार हैं, उनके संपर्क में आने से भी बचकर रहना चाहिए। अगर आप भी बीमार हैं तो घर पर ही रहें। खांसते या छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें। अपने बर्तन दूसरों के साथ शेयर करने से भी बचें। CDC के मुताबिक एडिनो वायरस की कोई खास दवा या इलाज मौजूद नहीं है। ज्यादातर एडिनो वायरस इन्फेक्शन के हल्के लक्षण होते हैं और दर्द या बुखार की दवा से ये ठीक हो जाता है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में लगा है मेला, करिए ईद की शॉपिंग। 22 मार्च है मेले का अंतिम दिन। कोरोना वायरस के बाद अब एक और वायरस पैर पसार रहा है। इसका नाम है एडिनो वायरस। फिलहाल ये वायरस पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहा है। एडिनो वायरस की चपेट में छोटे बच्चे ज्यादातर आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस की वजह से अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 ऐसे हैं जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि प्रशासन ने पिछले 24 घंटों में हुई मौतों को एडिनो वायरस डेथ नहीं माना है। उनका कहना है कि इस मौसम में ये संक्रमण आम है। प्रशासन ने बताया है कि किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी कर रखी गई है। 600 बाल रोग विशेषज्ञों के साथ 121 अस्पतालों में 5000 बेड तैयार रखे गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि बीते एक महीने में अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी ARI के 5213 मामले सामने आए हैं। ARI एक मौसमी समस्या है। इस साल मामले इसलिए ज्यादा सामने आ रहे हैं क्योंकि बीते 2 साल में कोविड के कारण ये पकड़ में नहीं आ सका था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। सरकार ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1800-313-444-222 भी जारी किया है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में लगा है मेला, करिए ईद की शॉपिंग। 22 मार्च है मेले का अंतिम दिन। आपको बता दें, एडिनो वायरस इन्फेक्शन एक वायरल बीमारी है जो एडिनो वायरस की वजह से होती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की नली पर हमला करता है। इसे संक्रमित होने पर आम कोल्ड जैसा संक्रमण होता है। चूंकि ये वायरल बीमारी है, इसीलिए किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। हवा के जरिए भी खांसने या छींकने से ये फैल सकता है। अगर किसी तरह एडिनो वायरस मौजूद है और उसे आप छूते हैं या उसके संपर्क में आते हैं, तो आप भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं। CDC के मुताबिक कई बार एडिनो वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल से भी फैल सकता है। उदाहरण के लिए डायपर बदलने के दौरान कई बार स्विमिंग पूल से भी ये फैल सकता है, लेकिन ये कम आम है। CDC का ये भी कहना है कि इस वायरस से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पर कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना चाहिए। गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। जो लोग बीमार हैं, उनके संपर्क में आने से भी बचकर रहना चाहिए। अगर आप भी बीमार हैं तो घर पर ही रहें। खांसते या छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें। अपने बर्तन दूसरों के साथ शेयर करने से भी बचें।
CDC के मुताबिक एडिनो वायरस की कोई खास दवा या इलाज मौजूद नहीं है। ज्यादातर एडिनो वायरस इन्फेक्शन के हल्के लक्षण होते हैं और दर्द या बुखार की दवा से ये ठीक हो जाता है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में लगा है मेला, करिए ईद की शॉपिंग। 22 मार्च है मेले का अंतिम दिन।